بسم الله الرحمن الرحيم. करती थी हाय
बाजार फिर आया होगा, दिल पे निजा शैतान फजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नवासे ने अपनी और अपने साथियों की अजीम कुर्बानियां देकर अल्लाह को उसके रसूल के दीन की लाज रखी। इस्लाम से मिट मिट के संवरना सीखे, इस्लाम से मिट मिट के संवरना सीखे और डूबे हुए दरिया में उभरना सीखे। अरे मरना नहीं आता जिसे अब तक है दोष, वो फातिमा के लाल से मरना सीखे। वो करबला की बहिम नबी के नवासे ने सर की और अब नबी की नवासी कूफा और शाम के बाजार में आ गई है और कुछ दिनों के बाद यजीदी तख्त को पलट के वो महिम सर कर लेगी। करबला के वाकये में रंग दोनों ने भरा, करबला के वाकये में रंग दोनों ने भरा। इब्तदा शब्बीर ने की, इंतहा ज़ैनब ने की। ज़ईमे मिल्लत फ़ख़्र क़ौम आगा मुर्तज़ा कोया साहब ने मुझसे क्या मुझे हुक्म दिया कि तुम जाकर कायदे मुस्तफ़ी मुस्तफ़वी इनकलाब अब करिए आसर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी का तारुफ कराओ। जिस वक्त ये कहा तो मेरे जहन में मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, उससे कहा कि जाके तारुफ कराओ, तो उस वक्त मेरे जहन में ये आया एक फारसी का एक जुमला के मिश्क खुद राबे बोयत न कि अतार बोयत। मिश्को अंबर रखा हो तो वो उसकी खुशबू खुद पहचानवा देती है। वाह वाह वाह, किसी को जरूरत कहने की नहीं होती कि मिश्को अंबर है। वाह 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 वाह, तो मैं क्या तारुफ कराऊं, लेकिन चंद जुमलों में अर्ज करूं कि डॉक्टर साहब या कायदे मुस्तफ़ी इनकलाब हम सिफत मौसूफ हैं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत कसीर कमालात से नवाजा है। जहां आप माहिर कानून हैं, आप कानून के प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं, वहां कानून शरीयत में पीएचडी हैं और आपको अलसनाए शर्किया और गरबिया पर उबूर हासिल है। और क्या कहने, तकाबुल अदियान पर पूरी नजर है और इस्लाम से के तमाम नुकात पर आपका इजराक है। और यूं कहिए कि तिराकते लसानी का आप शार हैं और अरसाए खिताबत के शहसवार हैं और बुलबुले हजार दास्तान हैं, तूतिये शिवा बयान हैं और इसके रसूल मुख्तार मोहब्बत अहले बैत अतहार और अकीदत अस्हाब अख्तियार से सरशार हैं। यकीनन अभी आप देखेंगे कि सिया नब्ज सियासत पर आपको पूरा उबूर है, नब्बाज हैं आप। और यही नहीं,
बल्कि इत्तेहाद बैन उस्मानी के एक बुलंद चमकते हुए सितारा है, ना कहिए बल्कि मनारा है। और आपने वाह कर दिया है हाथों को कि ऐ सुनियो, ऐ है सुन्नत, ओ ऐ है तहय्यो, ऐ सुनियो, ओ ऐ सियो। अरे किस बात का झगड़ा है? गले मिल जाओ इस्लाम की इज्जत के लिए, मसलक की इज्जत के लिए नहीं। आपके तपहर इल्मी का यह हाल है, यह आलम है कि आपने 1000 किताबें लिखी हैं, लिख चुके हैं, और 300 किताबें शाया होकर मनसे शहूद पर आ चुकी हैं। और आपको इंतहाई खुशी होगी, आपके ईमान में ताजगी पैदा होगी जब मैं ये कहूंगा कि गदीरे खुम के मौके पर, गदीरे खुम के मौके पर यूं कहिए कि मैदान गदीर का मंजर जब उनके नजरों में, नजरों के सामने आया, तो आपने किताब लिखी। उस किताब का नाम है असैफुल जली, असैफुल जली अला मुल्क मिलावट अली। खुली हुई शमशीर बुर्रा, खुली हुई तलवार विलायत अली के मुल्क के सर पर जब मौजूद है ये किताब आपकी, ऐलान गदीर। और दूसरी किताब शहंशाह विलायत के फर्जंद नामदार शहीद करबला, उन पर लिखी आपने ज़िबह अज़ीम, अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर और मानिए ज़िबह अज़ीम आमद पिसर, आपकी ये किताब। और दूसरे ये कि जिनको आले रसूल पर शक था, उनकी औलाद पर शक था, इमाम महदी पर शक था, मुनकिर थे, आपने उस सिलसिलतुज़्ज़हर की आखिरी कड़ी इमाम में महदी मुंतजर शान में उनके वजूद के इस बात ने उनके कारनामों पर किताब लिखी अल कौलुल मुतवर फिल इमाम मुंतजर। ये 3 किताबें आपका कोई कारोबार नहीं है, ये तो मोहब्बत है जिसका इजहार फरमाया है। और आखिर में ये बताता चलूं कि ये मस्जिद इमाम जाफर सादिक, ये आपने समझे ये शियों की है, ये तमाम मुसलमानों की है, और हम हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है, और अली को इसलिए मानते हैं कि वो मोहम्मद के हैं, हसन को इसलिए मानते हैं कि मोहम्मद के हैं, हुसैन को इसलिए मानते हैं कि मोहम्मद के हैं, फातिमा को इसलिए मानते हैं कि मोहम्मद के हैं, जुरतो बहादुरी क्या ताहिरुल कादरी, अरे नारे हैदरी, नारे हैदरी, दाराओ सिकंदर से ये मर्द फकीर औला, दाराओ सिकंदर से ये मर्द फकीर औला है, इसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही है, इसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही, बुए असदुल्लाही, बुए असदुल्लाही। हजरात मोहतरम, दावत खिताब देने जा रहा हूं, जज्बों में डूबी हुई इस आवाज को, वो जात जो बोले तो यजीदियत के ईवानों में जलजला बपा कर दे, वो जात जो मुस्तफा का गुलाम बनकर, सिद्दीक की सदाकत बनकर, उमर की अदालत बनकर, उस्मान की सखावत बनकर, अली की शुजात बनकर, हुसैन की सियासत बनकर, वक्त की आवाज बनकर,
धड़कनों का साज बनकर, इंकलाब की धमक बनकर, बिजलियों की चमक बनकर, मजदूर की इज्जत बनकर, किसान का ताफत बनकर, धड़कनों का साज बनकर, समंदर की रवानी बनकर, मोजू की तोयानी बनकर, सकीना की रिदा बनकर, फातिमा की हया बनकर, अली अकबर की जवानी बनकर, अली असगर की मासूमियत बनकर, यजीदियत के ऐवानों में ये ऐलान कर रहा है कि चला हूं कुफर से लड़ने, जलाकर कश्तियां सारी, पलट कर रास्तों से मैं, कभी वापस ना आऊंगा, और मेरे जज्बों की इज्जत से पिघल जाएंगी जंजीरें, ये बाजी जीत कर मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा। हजरत मोहतरम वो कायदे इंकलाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी, चेयरमैन पाकिस्तान अवामी तहरीक, जिनका ये ऐलान है, ये जज्बा है कि वो बाग दश्त है जिसमें अली के फूल नहीं, वो बाग दश्त है जिसमें अली के फूल नहीं, जहां यजीद हो ऐसा चमन कबूल नहीं, और खुदा भी कर नहीं सकता यजीद की बख्शिश, वो बेनियाज है लेकिन वो बेउसूल नहीं। दावत खिताब दूंगा चेयरमैन पाकिस्तान अवामी तहरीक जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब, नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, हुसैनियत, हुसैनियत। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब, نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المقربين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله مولانا العظيم معزز و محترم محبان رسول و اہل بیت اور عزاداران حسین अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक से हम मजलिसे ज़िक्र हुसैन में जमा हैं और ज़िक्र हुसैन की सूरत में अल्लाह की बड़ी बुलंद मर्तबत इबादत में मशगूल हैं। मैं इस इज्तिमा के अजीम इज्तिमा के इनेकाद पर और अल जमउ बैन अल बहरैन दो समंदरों के मिलाप पर जिससे इत्तेहाद उम्मत का नूर फूट रहा है इस पर आप सबको मुबारकबाद देता हूं। मैं आपके जज्बात पर और हजरत अल्लामा अली गज़नफर करारवी साहब के जज्बात पर सिवाय तशक्कुर और इम्तिनान के और कुछ अर्ज नहीं कर सकता। उनके जज्बात और आपके जज्बात
मैं नहीं समझता कि मैं उनका हकदार हूं या उनका अहल हूं, अलबत्ता उन कलिमात को अपने हक में दुआए खैर समझता हूं। मैंने कुरान मजीद की एक आया करीमा तिलावत की, मैं देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह ताला कि ये इज्तिमा उलमा का इज्तिमा भी है, कसीर तदाद में उलमाए कराम, और मैं मुबारकबाद देता हूं इस अजमत किरदार पर कि कसीर तदाद में उलमाए अहले सुन्नत आज इस मरकज पर तशरीफ लाकर इज्तिमा में सामईन की शक्ल में बैठकर इस अमर का ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इत्तेहाद की जरूरत है। और कसीर तदाद में उलमा और जुआमा मिल्लत जाफरिया मौजूद हैं, उनका तो ये घर है मगर कसरत से उलमाए अहले सुन्नत का मेहमान बन के इन मेजबानों के पास आना लायक मुबारकबाद और लायक सताइश है, एक अच्छे मुस्तकबिल की तामीर हो रही है। जो आया करीमा मैंने तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैअं मज़कूरा, यहां ये बात भी अर्ज कर दूं और बल्कि हदिया तशक्कुर पेश करता हूं इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में के मुल्की और कौमी जरूरत के तहत मैं तो तवील अरसे से अपने खिताबात के एतबार से भी और दौरा जात के एतबार से भी वादी सियासत में था। तशक्कुर इम्तिनान है इमाम आली मुकाम की बारगाह में कि उनकी शहादत का ये महीना आया तो ये पूरा महीना जितने खिताबात हुए वो सारे के सारे जिक्र हुसैन के हुए। तो ये महीना उनकी याद में बसर हुआ और ये किसी भी जिंदगी का कीमती असासा है जो लम्हे याद हुसैन में बसर हो। क्यों, यही नुक्ता आज समझाने आया हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इंसान पर एक जमाना ऐसा भी गुजर चुका है कि जब वो कोई शय मजकूर न था। एक जमाना इंसान पर, मैं तर्जमा कर रहा हूं और इसके एक एक लफ्ज पर आप तवज्जो करेंगे कि इंसान पर एक जमाना ऐसा भी गुजर चुका है कि जब वो मजकूर यानी काबिल जिक्र या जिसका जिक्र किया जाए तो वो शय मजकूर न था। ये तो है तर्जमा और हर मुतर्जिम हर मुफसिर इसके इसी माना को बयान करके गुजर गए। तौफीक इलाही से मैंने इस पर गौर किया तो आमतौर पर लोग और अहले इल्म इस आयत करीमा से ये अख्ज़ करते हैं कि ये इंसान के मादूम होने या वक्त अदम का जिक्र है, वक्त कि वो जमाना था जब वो शय मजकूर ना था
यानी अदम से वजूद में आया। किसी ने इसको रहम मादर में जो नुतफा से इब्तदा होती है उससे ताबीर किया, किसी ने इससे आलम अरवाह का जिक्र, जब वो मादी जिस्म के साथ जमीन पर इंसान नहीं आया था उससे ताबीर किया, और किसी ने इसको जिक्र अदम के साथ ताबीर किया कि ये वो जमाना बयान हो रहा है जब अदम था, कुछ ना था। अब जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि आप अगर अल्फाज आयत पे गौर करें तो वो ये हैं कि हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर, वो जमाना जिसे आप अदम कह रहे हैं, क्या अदम कि यानी वो कुछ भी ना था, वो कुछ भी ना था, जिस दौर को दौरे अदम कह रहे हैं कि इंसान ना था। तो तवज्जो तलब नुक्ता यह है कि कुरान बता रहा है कि वो दौर भी गुजरा इंसान पर है, वो दौर जिसे आप और हम समझ रहे हैं कि कुछ ना था, कुरान कह रहा है कि हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दार, वो दौर भी इंसान पर गुजरा है। अगर इंसान पर गुजरा है वो दौर भी, तो इसका मतलब यह है कि जब कुछ न था तब भी इंसान तो था। क्योंकि शय मजकूर न था और यह दौर गुजरा, तो इंसान उस वक्त हो तो उस पर इस दौर की कैफियत गुजरी है। तो आयत इशारा दे रही है कि इंसान था। इस आयत करीमा का आखिरी हिस्सा बताता है लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि वो दौर गुजरा है इंसान पर जब वो शैए मज़कूर ना था। इससे ये अख्ज होता है कि वो शैए मज़कूर ना था मगर शैए गैर मज़कूर तो था, यानी वो ऐसी शै ना था जिसका जिक्र होता हो। तो चलो ऐसी शय तो था जिसका उस वक्त जिक्र ना था मगर वो तो था, वो इंसान तो था उसका जिक्र ना था, ये इरशाद फरमाया अल्लाह ने। तो इसका पता चलता है कि इंसान उस वक्त से नहीं जब से जिक्र शुरू हुआ, जिक्र बाद में शुरू हुआ, इंसान उससे पहले भी था। अब वो इंसान जिक्र व मज़कूर से भी पहले था, उसकी शक्ल क्या थी? इरशाद फरमाया इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन, वही लफ्ज शैअन मज़कूरा, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन फयकूल लहू कुन फयकून, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। कि अल्लाह का अम्र तो सिर्फ ये है, अल्लाह का अम्र तो सिर्फ ये है, इज़ा अरादा शैअन, जब वो इरादा करता है शय का, जब वो इरादा फरमाता है किसी शय का, अरादा में फेल फाइल है, शैअन उसका मफूल है, कि जब वो किसी शय का इरादा फरमाता है तो अं यकूल लहू कुन, तो वो उसे हुक्म देता है कि हो जा, फयकून पस वो होने लग जाती है, पस वो होने लग जाती है। तो अगर इसका मफहूम इस आयत करीमा का ये समझें कि कुन से पहले कुछ ना था,
कुन से पहले कुछ ना था और जो कुछ हुआ वो कुन के बाद हुआ। तो कुरान तो बता रहा है कि जब वो किसी शय का इरादा फरमाता है तो अन यकूल लहू, तो वो उस शय को कहता है कुन तू हो जा। तो अगर कुछ ना था तो कुन किसे फरमाया कि तू हो जा। अगर कुछ ना था तो कुन का मुखातब कौन है, किसको फरमाया अन यकूल लहू, हु की जमीर का मर्जा शैअन है कि फिर उसे फरमाता है कुन तू हो जा। तो जब वो फरमा रहा है किसी को खिताब करके, किसी को मुखातब करके कि हो जा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुन नहीं फरमाया और जिसे फरमा रहा है कि हो जा वो कुन से पहले है, जिसे कह रहा है फरमा रहा है कि तू हो जा वो कुन से पहले है। तो अगर वो कुन से पहले है तो हो जा क्यों फरमा रहा है। अगर वो कुन से पहले है कि हो जा, तो फिर अगर पहले है तो कुन ये क्यों फरमा रहा है। तो इसका पता चला कि है तो वो कोई शय कुन से भी पहले है, तो कोई शय कुन से भी पहले, और जब उसको मुखातब करके फरमाता है कि हो जा, इसका मतलब है कब तक छुपा रहा था, अब जाहिर हो जा, कब तक छुपा रहेगा, कब तक छुपी रहेगी, कब तक मख्फी रहेगी। तो कुन हो जा का मतलब वजूद में आना नहीं, जाहिर होना है। मुद्दा वजूद देना नहीं, जहूर देना है। आप समझे हैं ना, वो कौन वजूद नहीं दे रहा, वजूद तो पहले है जिसको खिताब कर रहा है कि हो जा। तो कौन का मतलब है जहूर देना कि अब जाहिर हो जा। कौन फकत पर्दा उठा रहा है ताकि वो शय गैर मजकूर थी, अब शय मजकूर हो जाए, अब वो देखी भी जाए, पहचानी भी जाए, जानी भी जाए। तो कौन का मतलब है तू जाहिर हो जा। अब आप यहां तक पहुंचकर सोचेंगे कि वो है कौन और वो है क्या जो कुन से पहले है और जिसे फरमा रहा है कि अब जाहिर भी हो जा। अब कुन कह के पर्दा उठाते हैं जाहिर हो जा, वो क्या है, ये सवाल उभरा या नहीं ज़हनों में। तो आइए इसका जवाब भी कुरान से लेते हैं, इसी ही आयत से लेते हैं, किसी और तरफ नहीं जाते, ये आयत ही काफी है। इसी आयत से पूछते हैं कि अब बता दे वो है क्या। वो फरमाता है इन्नमा अमरुहू, उसका अम्र तो सिर्फ ये है, इजा अरादा शैअन, जब वो इरादा करता है शय का तो उसको फरमाता है हो जा, जाहिर हो जा। तो पता चला कि वो जो कुन से पहले है उसका नाम है शैअन। क्या शैअन, शाअ यशाउ से है, शाअ यशाउ शैअन, इसका मतलब है शैअन का मतलब चाहत। हाय हाय हाय, क्या मतलब है शैअन का मतलब, शाअ उसने चाहा,
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے. تو ایک ہی معنی ہے شاء یشاء کا, کیا صرف ایک معنی ہے, دو معنی نہیں ہے. تو شیئن کا مطلب ہوا چاہت. اب چاہت کا ترجمہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, چاہت اس لفظ کو ذہن میں رکھنا. اب پھر ترجمے کی طرف آتے ہیں. ارادہ کا معنی بھی ہے ارادہ کرنا, چاہنا. ارادہ کا معنی آپ جب کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا, تو اسی بات کو دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیں تو کیا کہتے ہیں, میں نے چاہا. تو چاہنا اور ارادہ کرنا ایک ہی شے. تو جب اس نے فرما دیا ارادہ, اس نے چاہا, تو پھر شیئن کا کیا ضرورت تھی. فرمایا جب اس نے چاہا, کس کو؟ چاہت کو. ہائے ہائے. اذا فرمایا لوگو تم میرے تخلیق کے امر کو کیا سمجھتے پھرتے ہو, میرا امر تخلیق تو صرف یہ ہے کہ جب میں نے اپنی چاہت کو چاہا, میں نے اپنی چاہت کو چاہا. ہمارے باقی احباب تو سنتے ہی رہے ساری زندگی مجھے, آج میں میزبانوں کے ذوق اور ان کی منہج پر گفتگو کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے, اور یہ منہج کسی حوزہ علمیہ سے نہیں سیکھا, چونکہ یہ منہاج القرآن ہے. تو قرآن میں ساری منہجیں ہیں, قرآن میں ان کی منہج بھی ہے, قرآن میں ان کی منہج بھی ہے, سارے مناہج قرآن میں. تو اس لیے میں اس وقت جو میزبانان مجلس ہیں ان کے ذوق سے کے انداز میں بات کروں گا. تو فرمایا اس نے کہ جب اس نے, اس کا امر تو صرف یہ ہے کہ جب اس نے اپنی چاہت کو چاہا, تو پھر اسے فرمایا کن. اب پہلے امر کن کی طرف جا رہے ہیں, ذرا بہت پیچھے چلے جائیے, کیا بہت پیچھے چلے جائیے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ غالب ہے غالب. اس طرح بہت پیچھے چلے جائیے, جب کچھ نہ تھا وہ تھا, اور اس کے بعد اس کی چاہت تھی, اور اس نے اپنی چاہت کو چاہا. اَن يَقُولَ لَهُ كُن, اور اپنی چاہت کو خطاب کیا, فرمایا کن ہو جا, اپنی چاہت سے کہا. تو مطلب کیا تھا کہ اپنی چاہت کو مخاطب کر کے کہا کہ اب تو ظاہر ہو جا. اور چاہت کبھی خود ظاہر نہیں ہوتی, حقیقت بھی یہ ہے, چاہت کہتے ہی اسے ہیں جو چھپی رہے. چاہت ہمیشہ مخفی ہوتی ہے, پردوں میں رہتی ہے, انسانوں کے ہاں بھی نہا خانہ دل میں رہتی ہے, پردہ خفا میں رہتی ہے. تو اسے ظاہر کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ ظاہر ہو جا, کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے جس سے وہ ظاہر ہوتی ہے. اور نہ کچھ کہیں نہ کچھ کریں تو چاہت ہوتی ہے مگر مخفی رہتی ہے. تو اس نے اپنی چاہت کا ارادہ کیا, چاہت کو چاہا, اور اس کو فرمایا کن ہو جا, یعنی اب تو ظاہر ہو جا. فیکون, پس وہ ظاہر ہو گئی. تو اس سے پتا چلا کہ ایک وہ تھا, کن سے پہلے دو تھے. کن سے پہلے ایک نہ تھا, کن سے پہلے بھی ہائے 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 دو تھے. ایک وہ خود تھا, ایک اس کی چاہت تھی.
चाहत मोहब्बत को कहते हैं, चाहत हबीब को कहते हैं, चाहत महबूब को कहते हैं, चाहत दोस्त को कहते हैं। तो उसने इरादा किया, उसने अपनी चाहत को चाहा और उससे फरमाया कि जाहिर हो जा। और जब उससे पूछा कि रब्बे करीम बात समझ में आ गई और बता कि वो चाहत क्या थी, उसने कहा मेरी चाहत तो सिर्फ एक है, जिस तरह मैं एक हूं मेरी चाहत भी एक है, मैं खुदा हूं और मेरी चाहत मुस्तफा है। फरमाया कि मैं खुदा हूं और मेरी चाहत मुस्तफा है। और मुस्तफा का माना भी है जिसे चुन लिया गया, जिसे चाहत बना लिया गया। मेरी लफ्ज मुस्तफा के माना पर एक पूरी किताब है, कभी पढ़िए, लफ्ज मुस्तफा के माना पर एक किताब है। तो जो मुस्तफा होता है वही मुर्तजा होता है और वही मुज्तबा होता है। वो चुना हुआ, उसको चुन लिया। तो उसने फरमाया कुन से पहले एक मैं था जो खुदा था, एक मेरी चाहत थी जो मुस्तफा था। अब मैंने उस चाहत को, मुस्तफा किस तरह था, किस शक्ल में था, किस हैयत में था, क्योंकि अभी तो कुन हुआ नहीं, लिहाजा उस हैयत की किसी को खबर नहीं। वो उस हैयत की चूंकि किसी को खबर नहीं, किसी ने देखा नहीं, कोई होता तो देखता, किसी ने सुना नहीं, कोई होता तो सुनता, किसी ने समझा नहीं, कोई उस वक्त होता तो समझता, किसी ने उसका जिक्र नहीं किया कि कोई जाकिर होता तो जिक्र होता। इसलिए फरमाया कि कौन से पहले मैं था, मेरी चाहत मुस्तफा थी, और वो मुस्तफा कैसे था इसकी किसी को खबर नहीं। इसका जिक्र है हल अता अलल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि वो था मगर शैए मज़कूर ना था, वो शय मजकूर ना था। तो फरमाया कुन, हो जा, जाहिर हो जा। तो इस कुन में ये लफ्ज दो हरूफ का मजमुआ है, इसमें दो हर्फ हैं, कितने, एक काफ और एक नून। कुन दो हर्फों का मिलाप है, कुन दो हर्फों का, बोलिए, मिलाप है। न खाली काफ से कुन बनता है, न तनहा नून से कुन बनता है। मिलाप न हो तो काफ काफ रहती है, नून नून रहती है। काफ कलामुल्ला है, काफ कलामुल्ला है, नून नूरे मोहम्मद है। इस्तियारा की जुबान, इस्तियारा है, काफ कलामुल्ला का इशारा है, काफ कलामुल्ला का इशारा है, और नून नूने मोहम्मद का इस्तियारा है। तो जब काफ और नून का मिलाप हुआ, कलामुल्ला का और नूरे मोहम्मद का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाप हुआ,
तो कुन बना, और जाहिर हो जा कुन, जब कुन हुआ तो वो नूरे मोहम्मद जो मखफी था वही जाहिर हो गया। अब कुन एक पर्दा बन गया, कुन एक पर्दा बन गया, पर्दे के इस तरफ देखो तो काफ, इस तरफ देखो तो नून, कुन के वस्त में एक पर्दा है। कुन से पहले झांको तो खुदा है, और कुन के पर्दे के इधर झांको देखो तो मुस्तफा है, और न किसी को हकीकत खुदा की खबर न हकीकत मुस्तफा की खबर। और आपने देखा कि उसका अम्र खल्क, अम्र तखलीक, क्या अम्र तखलीक कुन से शुरू हुआ और उसकी खल्क कुन के बाद शुरू हुई। नूर मोहम्मद भी खल्क है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर अम्र तखलीक कुन से शुरू हुआ। तो चाहत पहले थी, और फयकून अमल तखलीक है, क्या अमल तखलीक है। तो मतलब यह हुआ कि अमल तखलीक से चाहत अमल तखलीक से भी पहले थी, क्योंकि मुस्तफा महबूब था, मुस्तफा महबूब था, इसलिए अमल तखलीक का सारा प्रोसेस भी इसी के नूर से गुजारा। और जिस तरह मुस्तफा उसका महबूब है और वो चाहत है, तो पता चला कि चाहत जाहिर होने से भी पहले होती है। इसलिए उसने हुक्म दिया कि जो मुझे चाहे वो पहले मुस्तफा को चाहे, जो मुझे चाहना चाहे वो पहले मुस्तफा को चाहे, जो मुझसे प्यार करना चाहे वो पहले मुस्तफा से प्यार करे, जो मुझ तक आना चाहे वो पहले मुस्तफा की दहलीज पर आए, जो मेरे करीब होना चाहे वो पहले मुस्तफा के करीब बने, और जो मेरा बंदा होना चाहे वो पहले मुस्तफा का गुलाम बने, और जो मेरा होना चाहे वो पहले मुस्तफा का हो, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। हमने मैंने ये बात वाजे कर दी कि चूंकि उसने अपनी चाहत को सबसे पहले रखा, अमरे कुन से भी पहले रखा, इसका मतलब है जो यहां से जाना चाहे पहले उसकी चाहत को पाए फिर उसे पाए, और रास्ता कोई नहीं। और अब इस पूरे नज्म इस्तिदलाल से और नज्म इस्तिंबात से मैं अगले नतीजे की तरफ आ रहा, अगले नतीजे की तरफ आ रहा हूं। चूंकि मुस्तफा खुदा की चाहत, इसलिए हुक्म दिया जो मुस्तफा की इताअत करता है वही खुदा की इताअत करता है, जो मुस्तफा की मासियत करता है वही खुदा की मासियत करता है, जो मुस्तफा का है वही खुदा का है, और जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। यहां तक नज्म आप समझ गए। इस नज्म की बुनियाद यह है क्यों कि मुस्तफा उसकी चाहत है, और वो चाहने वाला उसको नहीं मिलता जो उसकी चाहत को न चाहे और उसको चाहे, उसको नहीं मिलता जो उसकी चाहत से दूर रहे और उसके करीब आना चाहे वो नहीं। वो कहता है कि मुझ तक आने का रास्ता मेरी चाहत है। तो चूंकि मुस्तफा को महबूब बना दिया, लिहाजा जो मुझसे ताल्लुक रखना चाहता है वो मुस्तफा से मुतअल्लिक हो जाए। जब आप उस बारगाह की ये बात समझ गए तो अब एक कदम आगे चलते,
वहां चाहने वाला खुदा था और अब चाहने वाला मुस्तफा है। वहां चाहने वाला खुदा था और अब चाहने वाला मुस्तफा है। वहां खुदा की चाहत थी, अब यहां मुस्तफा की चाहत है। खुदा की चाहत मोहम्मद है और मोहम्मद की चाहत हुसैन है। खुदा की चाहत मुस्तफा है और मुस्तफा की चाहत हुसैन है, जिसे सीने पे चलाया जा रहा है, जिसे कंधों पर खिलाया जा रहा है, जिसे जुबा को चूसाया जा रहा है, जिसे नमाज के सजदे में अपनी कमर पे छुलाया जा रहा है। मोहम्मद की चाहत हुसैन। फरमाया मन अहब्ब हुसैनन फकद अहब्बनी, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। व मन अबगज़ा हुसैनन फकद अबगज़नी, और जिसने हुसैन को न चाहा उसने मुझे न चाहा। खुदा की चाहत मुस्तफा थी, सो उसने कहा जो मुझ तक आना चाहे वो मुस्तफा के तवस्सुत से आए, और मुस्तफा की चाहत अब हुसैन है। सो मुस्तफा फरमा रहे हैं, उसी उसूल का इंतबाक हो रहा है। उसने कहा जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं, और मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मेरी चाहत है, हुसैन मेरा महबूब है। सो जो हुसैन का नहीं वो मुस्तफा का नहीं, और जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। वरना खुदा की नमाज हो और अल्लाह के हुजूर सजदा हो और मखलूक में से किसी को कंधों पर बिठाया खिलाया जा रहा है, ये बात समझ में आने वाली? बोलिए ना, है ये बात समझ में आने वाली? खुदा की इबादत हो, अल्लाह के हुजूर सजदा हो, है कोई और? इस इबादत खुदा की हालत सजदा में, सजदा कमाल इबादत है, सजदा मेराज इबादत है। इबादत की मेराज में है कोई जो मुस्तफा की पुश्त पर खेला हो? एक हसन है एक हुसैन है। इबादत और नमाज के मेराज के वक्त अगर हुसैन को पुश्त पर खिलाया है तो क्यों? इसलिए कि वो मुस्तफा की चाहत है, मुस्तफा की चाहत है। और मैं जो अर्ज कर रहा हूं नुक्ता, ये मेरा इस्तेदलाल नहीं, ये वही कुछ है जो मुस्तफा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिवायत है बहुत सी कुतुब हदीस में, तिरमजी शरीफ में है, मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल में है, तबरानी में है, कंजुल माल में है, बहुत सारी कुतुब हदीस में, इब्ने माजा में है, कई किताबों में। सहाबी कहते हैं कि हमने आका अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी, हुसैन खेल रहे थे, हमने नमाज पढ़ी, सजदे में गए और इंतजार करते रहे कि अब अल्लाहु अकबर कहकर हुजूर उठेंगे। बड़ी देर हो गई मगर हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे से नहीं उठे। सियाबी कहते हैं और देर हो गई, और देर हो गई, इतनी देर हुई कि हदीस नबवी के अल्फाज हैं, सहाबा कराम कहते हैं, फरमाते हैं कि हमें अल्लाह न करे परेशानी का ख्याल आ गया कि कहीं हालत सजदा में, मतलब उनका यह है कि कहीं रूह अकदस जसद पाक से परवाज तो नहीं कर गई, कहीं आका अलैहिस्सलाम विसाल तो नहीं फरमा गए। इतनी देर हो गई कि कहते हमें
अल्लाह माफ करे परेशानी का ख्याल आ गया। तो सहाबी कहते हैं इतनी देर लगी हुजूर के सजदे में कि मैंने समझा ये भी मुमकिन है कि कहीं उठ गए हो, मुझे ना समझ आई। वो कहते हैं मैंने सजदे से सर उठा के देखा तो हुजूर बदस्तूर सजदे में थे और हुसैन मुस्तफा की पुश्त पे खेल रहे थे। और सजदा इतना तवील कर दिया, बिलाखिर हुसैन उतरे। जब हुसैन उतर गए तो मुस्तफा ने सरे अनवर सजदे से उठाया और इस तरह नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करने के बाद सहाबा कराम कहते हैं हमने आका से पूछा, ये जो मंजर देखा था, हमने आका से पूछा या रसूलल्लाह क्या आप हुसैन से इतनी मोहब्बत करते। मैंने आपको कहा था ना कि जो कुछ कहा है वो मैंने नहीं कहा, क्या आप हुसैन से इतनी मोहब्बत करते। तो आपने फरमाया सुनो, इन्नी हिब्बु हसनन व हुसैनन व मन अहब्बहू, और एक फरमाया इन्नी हिब्बु हुसैनन, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं और मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूं। और फरमाया मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी, आज से तुम भी सुन लो जो इनसे मोहब्बत करेगा वही मेरा मुहिब होगा। वह मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह, और जिसने जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। वह मन अब गजानी वन अब गजा हुमा फकद अब गजानी व मन अब गजानी फकद अब गजल्ला, और जो इनसे बुग्ज रखेगा, जो इनसे बुग्ज रखेगा वो मुझसे बुग्ज रखेगा, और जो मुझसे बुग्ज रखेगा वो खुदा से बुग्ज रखेगा। तो इशारा ये फरमा दिया। और फिर एक हदीस में आका ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, और ये भी सुन लो हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन। इसका मतलब ये है कि मोहब्बत हुसैन की, आका अलैहिस्सलाम ने उसका वो दर्जा और रुतबा बयान कर दिया कि हुसैन मुस्तफा की पुश्त पर चढ़ा रहे तो मुस्तफा सजदे से सर ना उठाए। ये रुतबा मोहब्बत हुसैन, ये मकाम मोहब्बत हुसैन है जो कल्ब मुस्तफा में है। इसलिए हुजूर ने फरमाया हुसैन मेरी चाहत है, जो हुसैन को चाहे वही मुझको चाहे, और जो हुसैन का होगा वही मुस्तफा का होगा, और जो हुसैन का नहीं वो मुस्तफा का नहीं। जब ये तर्तीब आप समझ गए कि खुदा का होने के लिए मुस्तफा का होना जरूरी है और मुस्तफा का होने के लिए बोलिए ना हुसैन का होना जरूरी है, तो अब हम आगे असल मजमून की तरफ मैंने बुनियाद रख दी। आने से कबल एक जुमला समझा दूं, इस उसूल के तहत अल्लाह सलामत रखे हमारे इस शहर इस्लामाबाद को, अल्लाह इसे हर शर से फितना और फसाद और नुकसान से सलामत रखे पूरे मुल्क को, मगर ये उसका कैपिटल इस्लामाबाद, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए सलामत रखे। इस्लामाबाद नाम तो रखने वालों ने रख दिया, अब इसको हकीकी इस्लामाबाद बनाना है, अब इसको हकीकी इस्लामाबाद बनाना है, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं, जो फिर पांव मारते हैं घोड़े को जनाब को चल नहीं चलता, फिर मजीद जोर से इशारा करते हैं, पांव मुबारक मारते हैं घोड़े पर, मारते हैं तमाम लगामें खींच कर चल घोड़ा नहीं चलता, हर बार नीचे की तरफ देखता है। हुसैन समझ गए
घोड़े से नीचे उतरे के देखूं माजरा क्या है। छोटी शहजादी सकीना कोड़े की टांगों से निपट कर खड़ी है, कहती है कोड़े मेरे बाबा को ना ले जा। कभी हुसैन में रोने वालो, वो सकीना कहती है कोड़े मेरे बाबा को ना ले जा, मैं बाबा के सीने पर रात को सोया करती थी, अब किसके सीने पर सोऊंगी। मुझे रात की नोरिया कौन देगा, मुझे रात को सीने पर चिमटा कर सुनाएगा कौन। सकीना रो रही है, उसे सब्र किया, हजरत सकीना को प्यार करके चूमते सैयद ज़ैनब की गोद में रखा। बहन ज़ैनब यमान सकीना तुझे दे रहा हूं, इसको रात को सोते हुए सीने पर निकाल करना। हुसैन चले फिर पलट कर खेमों की तरफ नहीं आए, चले फिर पलट कर नहीं आए। आवाज अर्श से आई, या अय्यतुहन नफ्सु मुतमइन्ना ارجعی الى ربک راضیتا مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے روح حسین، اے نفس مطمئنہ، تو جیت گیا، کامیاب ہو گیا، فتح یاب ہو گیا، آدمیت کا سر فخر سے بلند ہو گیا، انسانیت کا سر بلند ہو گیا، اسلام کا سر بلند ہو گیا۔ सर बुलंद हो गया, रूह कफसे उनसरी से परवाज कर गई और कायनात के अर्शो फर्श में तहलका बपा हो गया। सूरज छुप गया ग्रहण में, उसे करबला का मंजर देखने का यारा न रहा। सहाबा ताबईन रिवायत करते कि हम दिन को देखते थे सूरज छुपा तारे नजर आ रहे थे, और रात को देखते थे तारे गले हुसैन में आपस में टकराते थे। मुल्क शाम और बैतुल मकदस में जो पत्थर उठाते थे खून उबल पड़ता था। सात दिन कायनात का आसमानी उफुक सुर्ख खून आलूद रहा। हुसैन चल बसे, फिर खेमों को आग लग गई। दरिंदे खानवाद आए, नबीजत के खेमों को जला बैठे, मुबारक लाशें रौन दिए गए, मुकद्दस सर तन से जुदा कर दिए गए, नेजे पर चढ़ा दिए गए, शुहदाए करबला के नेजों पर चढ़े हुए सरों का काफिला सुवे दमिश्क रवाना कर दिया गया। सैयदा ज़ैनब फातिमतुज़्ज़हरा की बेटी मुस्तफा की शहजादी लुटे पुटे काफिले अहले बैत को लेकर परेशान दमिश्क की तरफ रवा है। लोगों कयामत का दिन होगा, तवज्जो करो, अहदीस नबवी में आता है कि कयामत का दिन होगा आर्श इलाही से एक आवाज आएगी, या अहल महशर नक्सू रूसकम वगद्दु अबसारकम हत्ता तमर फातिमत बिन्त मुहम्मद। आवाज आएगी महशर वालों,
حضرت آدم سے لے کر قیامت تک محشر والوں اپنے سر جھکا دو, اپنی آنکھیں جھکا دو, فاطمہ بنت مصطفیٰ آ رہی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب فاطمہ تو زہرا کر میدان حشر میں آئیں گی, اہل محشر کے سب گردنیں اور نگاہیں جھکی ہوں گی, اور پھر بھی 70,000 چمکتی ہوئی حوروں کے جھرمٹ میں آ رہی ہوگی کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ فاطمہ کو ہو رہے. 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں چلے گی, یا سیدہ فاطمہ الزہرا جن کے آنے پر اہل محشر سر جھکا دیں گے, نگاہیں جھکا دیں گے, اور جنہیں 70,000 حوروں میں پردے میں گزارا جائے گا. فاطمہ, آج آپ کی بیٹی سیدہ زینب لتے پتے کپڑوں میں نچا ہوا قافلہ لے کر دربار یزید کی طرف جا رہی ہے. آج وہ 70,000 حورے کہاں ہیں؟ آج وہ جھکنے والے سر کہاں ہیں؟ آج جھکنے والی نگاہیں کہاں ہیں؟ دمشق کی راہ میں رات آ گئی, رات پڑی, بدبخت یزید کے لشکریوں نے چاہا اور ابن زیاد کے لشکر نے چاہا کہ رات لمبی مسافت کر کے آئے ہیں پیدل, یہاں رات قیام کر لیں. قریب ہی اس جگہ کے گرجا تھا, بڑا ضعیف عبادت گزار مرتاز راہب پادری تھا, عبادت گزار متقی, ہر وقت عبادت میں رہنے والا. اس نے قافلہ دیکھا تو باہر آ گیا, رات کا وقت. اس نے پوچھا یہ کیسا قافلہ ہے؟ یزید کے بدبخت لشکر نے بتایا یہ حسین اور مصطفیٰ کی آل کے سروں کو نیزے پہ لڑکا کے لٹا ہوا اہل بیت مصطفیٰ کا قافلہ جا رہا ہے. وہ عیسائی مسیحی راہب تڑپ اٹھا, اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی جگہ بتاؤ, رات قیام کرنا ہے. اس نے کہا میرا گرجا حاضر ہے, یہاں قیام کرو اور تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں اے اہل دنیا, دنیا کی خاطر نواس ہے مصطفیٰ کو شہید کرنے والوں, 10,000 دینار دیتا ہوں, رات بر حسین کا سر میرے پاس رکھ دو. آئے آئے, انہوں نے 10,000 دینار لے لیے, وہ تو سگانے دنیا تھے. حسین کا سر انور راہب کو دے دیا. قافلے والوں نے رات پڑاؤ کیا, سیدہ زینب رات بھر نیزوں کو تکتی رہی, لٹکے ہوئے سروں کو تکتی رہی. سیدہ سکینہ کچھ بولنے کی سکت نہیں, قافلہ نجھال ہے, رات بھر وہ جاگتے رہے. راہب نے حسین کا سر سر اقدس اندر لے جا کے رکھا اور خوشبو والے پانی سے پہلے دھویا, خون دھویا راہب نے, پھر دھو کر اسے خوشبو سے سجایا اور پھر ساتھ بیٹھ گیا, رات بھر حسین کے ماتھے کو چومتا رہا اور روتا رہا. اور سوچتا رہا کہ یہ مسلمان ہے, اپنے نبی کے شہزادوں کو یوں کر دیا. صبح اس راہب نے سر انور ان کے سپرد کیا اور آقا نے کرم کیا کہ راہب تو نے میرے لٹے ہوئے قافلے کی توقیر کی اور میرے بیٹے حسین کے سر کو رات بھر دھویا اور چومتا رہا,
تجھے اسلام کی دولت سے نوازتا ہوں، وہ راہب عمر کے اس حصے میں صبح سرے حسین کے صدقے مسلمان ہو گیا۔ قافلہ چل پڑا، دربار ابن زیاد سے ہونے کے بعد دربار یزید میں پہنچا۔ دربار یزید میں سر حسین اس بدبخت یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یزید نے حسین کے لبوں پر چھڑی ماری، آئے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بدبخت حیا کر، خدا کی قسم میں نے ان لبوں پر مصطفیٰ کو بوسا لیتے دیکھا ہے، ان لبوں میں مصطفیٰ کی زبان ڈالتے دیکھا ہے۔ اس ضعیف صحابی کو مار کے گرا دیا۔ بدبخت یزید بولا، حسین کے قافلے اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے بیبیوں کو پیش کیا جائے۔ اس کے سپاہی بولے کہ یہ قافلہ حسین ہے، سیدہ زینب کھڑی ہے، سیدہ سکینہ، ام کلثوم، رقیہ، شہزادیاں کھڑی، لباس گرد و غبار میں اتنا اٹا ہوا تھا، جب سے چلے تھے مکہ و مدینہ سے کپڑے بدلنے کا ہوش کس کو تھا، اور 10 دن کربلا میں مقیم تھے کپڑوں کا ہوش کس کو تھا، کپڑے اور مبارک جسم اتنے اٹے پڑے تھے گرد و غبار سے کہ بدبخت پہچان نہیں سکا۔ وہ کہتا ہے یہ تم کنیزوں کو لے آئے ہو، مجھے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں پیش کرو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کنیزے ہیں، اس وقت ایک بوڑھی نحیف خاتون سوٹی کے سہارے کھڑی ہوئی، نحیف بڑھیا سوٹی کے سہارے۔ بدبخت یزید نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فضا ہوں، فاطمہ کی خون باندھی فضا ہوں، اور اس حسین کو اور زینب کو گود میں کھلانے والی فضا ہوں۔ اس نے کہا بدبخت یزید لعنت ہو تم پر، انہیں کنیزے نہ کہو، یہ کائنات کی شہزادیاں ہیں، یہ جنت کی والک ہیں، یہ آج سے فرش تک کائنات کی وارث، یہی علی و فاطمہ کی شہزادیاں۔ بدبخت انہیں کنیز نہ کہ، ساری دنیا ان کی کنیز ہے۔ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی اٹھا، اس نے زور سے لٹھ اٹھائی اور حضرت فضا کے سر پہ لہرا کے مارنے لگا کہ اس بوڑھی ضعیف خادمہ زہرا کو شہید کر دے۔ فضا کی سر پہ لٹھ ابھی نہیں لگی تھی کہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا یزید کے پیچھے 500 حبشی سپاہی تلواریں لے کر کھڑے تھے، یزید کی حفاظت کے لیے 500 حبشی سپاہی تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ فضا بھی حبشہ کی تھی، آئے آئے، اس نے وطن والوں کو چہرے سے پہچانا اور کہا کہ حبشہ والوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ میں فضا، تم حبشیوں کی بیٹی ہوں، تم حبشیوں کی بیٹی ہوں، تمہارے سامنے یزید کے سپاہی مجھ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اپنی بیٹی کو بچا لو۔ فضا کے کہنے کی دیر تھی، 500 حبشیوں کے رخ بدل گئے، انہوں نے تلواریں فضا نے لہرائی اور کہا یزید کے جس لشکر سے فضا کو جس نے ہاتھ لگایا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ فضا تو بچ گئی، فضا تو بچ گئی، مگر سیدہ زینب نے رخ مدینہ کی طرف کر لیا، رخ مدینہ کی طرف کر لیا اور آواز دی میرے نانا
मेरे बाबा, हबशा की बेटी, हबशा की बेटी फिजा को बचाने के लिए उनकी कौम के पास वफराद तलवारें लेकर आ गए, मगर तेरी बेटी को बचाने के लिए आज कोई तलवार मैदान में नहीं। बाबा, आपकी बेटियों को बचाने के आज कोई तलवार मैदान में नहीं। सैयदा जैनब का फिर खुतबा भी यजीद के दरबार में गूंजा, जिसने यजीद को लर्जा बरंदाम कर दिया और तख्त यजीद को लहरा दिया। एक अरसा उन्हें कैद में रखा, फिर इजाजत हुई कि अब लुटे हुए काफिले को लेके मदीना चलो। अरे मुहिब्बान व आज़ादारान हुसैन, सैयदा जैनब बीमार जैनुल आबिदीन को साथ लेकर लुटे हुए उजड़े हुए गुलशन मुस्तफा के काफिले को लेकर मदीना पहुंची। मदीना खबर यह हुई थी कि हुसैन का काफिला वापस आ रहा है। जब ये मदीना पहुंचे तो मदीना की औरतें, बूढ़े जवान बच्चे बाहर हुसैन के इस्तकबाल के लिए आए, इस्तकबाल के लिए आए कि हुसैन फतेहयाब होकर मिशन से वापस आ रहा है। जब काफिले को लुटा पुटा देखा तो अहले मदीना की बीबियां रो पड़ी और चीखों पुकार करके काफिला का हाल देखकर बीमार जैनुल आबिदीन से कहने लगी, जैनुल आबिदीन, बाबा हुसैन कहां छोड़ के आए हो? भाई अली अकबर अली असगर कहां छोड़ के आए हो? भाई कासिम चचा अब्बास कहां छोड़ के आए हो? जैनुल आबिदीन की जुबान में जवाब देने का यारा न था। खुश आंखों से अपनी फूफो सैयदा जैनब को देखा कि पुपी जान आप ही जवाब दे। सैयदा जैनब के आंसू जवाब देने लगे कि जो गुलशन मुस्तफा का गया था वो लुट कर उजर कर वापस मदीना में आ गया। वालों, दिल के कानों से सुनो, करबला से आज भी एक आवाज आ रही है, फुरात के किनारे से आवाज आ रही है। वो करबला जिसके लिए कहा गया कि कुल्ल अर्दिन करबला, कुल्ल अर्दिन करबला, वो कुल्ल यौमिन आशूरा, वह कुल्लो योमिन आशूरा, वह कुल्लो अर्जन करबला, वो करबला के जो दुनिया की जमीन का हर मैदान करबला बना गया और जो हर दिन योम आशूरा बना गया, उस करबला से आवाज आ रही है। हुसैन की आवाज, अली अकबर की आवाज, हुसैन को चाहने वालों आवाज आ रही है कि उठो मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, आज यजीद फिर जुल्म और बर्बरियत के निजाम की शक्ल में और फिर तशद्दुद और जार तशद्दुद और जारहियत और दहशतगर्दी की शक्ल में आज यजीद फिर एक निजाम हुकूमत का तख्त सजाए बैठा है। मेरे चाहने वालों उठो, एक नया मालिका करबला बपा कर दो।
उठो, अपने खून से फिर फुरात के किनारे को रंगी कर दो। है कोई रूह जो अली असगर की सुन्नत को फिर जिंदा कर सके? है कोई रूह जो अली अकबर की सुन्नत को जिंदा कर सके, जो हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर सके और ताहूत और जुल्म से ऐसा लड़े कि मुस्तफा के निजाम का आलम, मुस्तफ़ावी इंकलाब का आलम, हुसैनी इंकलाब का आलम, इस्लाम का आलम फिर जिंदा करने के लिए बाजी अलम को लेकर उठे और वक्त के जजीती निजाम का तख्ता उलट के रख दे। हुसैन के चाहने वालों, रूए हुसैन की आवाज पर आज फिर लब्बैक कहने के लिए तैयार हो? हाथ उठाकर जवाब दो। हुसैनी इंकलाब के लिए तैयार हो? हाथ उठाए रखना। मुस्तफ़ावी इंकलाब के लिए तैयार हो? यजीदी निजाम का तख्त रखने के लिए तैयार हो? आज इस अहद की लाज रखना। अरे हुसैन और गुलशन मुस्तफा ने तो जाने देकर बाबा का दीन बचाया था, आपको तो जाने भी नहीं देनी, खाली वोट देकर मुस्तफा हुसैन के मामा का दीन बचा लोगे। उन्होंने गर्दने देकर बचाया था, तुम खाली पर्ची वोट देकर बचा लोगे, मगर हुसैनियत, हुसैनियत की शमा रोशन करके यजीदियत के अंधेरे को खत्म करने के लिए हुसैनियो और मुस्तफ़ावियो उठो और मैदान कारजार में बाहर आ जाओ। इसलिए कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।